गुड मॉर्निंग, माय नेम इज राजेश बोरा, लेक्चर इन इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, सिरोही। टुडे वी विल डिस्कस लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स फिजिकल डिवाइसेस होते हैं जो लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो दे आर कॉल्ड फिजिकल डिवाइसेस। टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन, तो वेरियस टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स है अपने पास, वन बाय वन पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ले रहे हैं नॉट गेट। ये नॉट गेट का सिंबल है, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट भी कहते हैं इसको। आप जो भी इनपुट इस पे अप्लाई कर रहे हैं उसका इनवर्ट आपको मिलता है, और ए ट्रुथ टेबल में शो करवाना है इसको, तो इनपुट और आउटपुट जीरो वन। जीरो अप्लाई करेंगे तो आउटपुट में मिलेगा वन, वन अप्लाई करेंगे तो आउटपुट में मिलेगा आपको जीरो। ये जो इंडेक्स बना है रो और कॉलम का, उसको अपन बोलते हैं ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल बेसिकली कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट रहता है, और उस इनपुट पर आपको क्या आउटपुट मिलेगा ये ट्रुथ टेबल के द्वारा शो अप किया जाता है। ये है आपका पहला बेसिक गेट है, इसको कहते हैं अपन नॉट गेट। दूसरा गेट लेते हैं अपन एंड गेट। एंड गेट का सिंबल है ए और बी, दो इनपुट है इसमें, एक्स अगर आउटपुट है तो आउटपुट में मिलेगा ए और बी, जहां पे टॉर्च रिप्रेजेंट कर रहा है आपका एंड ऑपरेटर, एज ए एंड ऑपरेटर कहलाता है। अब अपन इसकी ट्रुथ टेबल डिजाइन करेंगे, ए बी और एक्स इसका आउटपुट है। तो जब दो इनपुट है तो टू दी पावर एन के अकॉर्डिंग इसके इनपुट कॉम्बिनेशन बनते हैं, जहां पर एन आपका नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं उसको शो अप करता है। तो यहां पे एन की संख्या दो है, तो इसमें टू इनपुट एंड गेट के लिए आपको इनपुट साइड पे जो आपका ट्रुथ टेबल बनेगा उसमें फोर कॉम्बिनेशन बनेंगे इनपुट के, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन। अब इस इनपुट कॉम्बिनेशन पे आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो जीरो को अप्लाई करेंगे और उस पर एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, तो जीरो पे आपको मिलता है जीरो, जीरो और वन पे आपको मिलेगा जीरो, वन और जीरो पर मिलेगा जीरो, वन और वन पे आउटपुट आएगा वन। तो एंड गेट की ट्रुथ टेबल को आप ध्यान से देखते हैं तो अपने को पता चलता है कि एंड गेट में आउटपुट हाई तभी मिलता है जब उसके
सभी इनपुट हाई हो। एंड गेट में आउटपुट तभी हाई मिलेगा जब उसके सारे इनपुट हाई हो। अगर एक या एक से ज्यादा इनपुट भी लो है तो आउटपुट में लो मिलता है। इसके बाद अपन देखते हैं और गेट को। और गेट का आपका सिंबल रहता है ए और बी, दो इनपुट है इसमें, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए प्लस बी से, या इसको कहते हैं अपन और ऑपरेटर, ए प्लस बी या और ऑपरेटर। इसका भी ट्रुथ टेबल डिजाइन करना है, ए बी और एक्स इसका आउटपुट है, तो इसके फोर कॉम्बिनेशन बनेंगे इसमें। ए और बी, जीरो और जीरो पे मिलेगा आपको जीरो, जीरो और वन पे मिलेगा वन, वन और जीरो, वन वन और वन पे वन। और गेट की जो ट्रुथ टेबल है उससे ये शो हो रहा है कि अगर और गेट में एक भी इनपुट वन है, एक भी इनपुट वन है तो आउटपुट हाई मिलता है, एक भी इनपुट वन है तो आउटपुट आपको हाई मिलेगा। और एंड गेट के केस में आउटपुट हाई तभी मिलता है जब सारे इनपुट इसके हाई होने चाहिए, तभी आउटपुट हाई मिलेगा। इसके बाद आता है आपका नैंड गेट। नैंड मीन्स नॉट एंड, ये एंड गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन होता है। ये इसका सिंबल है ए और बी, एक्स इज आउटपुट ए डॉट बी आ। तो नॉट नैंड गेट मीन्स नॉट एंड। ट्रुथ टेबल बनाएंगे इसके लिए भी, ए बी एंड एक्स इज आउटपुट, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन। तो जीरो जीरो पर एंड गेट में जो भी आउटपुट मिल रहा है उसका नॉट गेट लगा हुआ है, इसलिए वो उसका इन्वर्ट हो जाएगा। तो एंड गेट के लिए हमने क्या था कि दोनों हाई होने पे आउटपुट मिल रहा था, तो इसमें दोनों हाई है तो आउटपुट लो मिलेगा, और बाकी पे एक भी अगर आउटपुट में लो है तो इनपुट में लो है एक भी तो आउटपुट हाई मिलेगा। तो एंड गेट में जो ट्रुथ टेबल है उसका ये इन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको आप देखोगे तो पता चलेगा कि इस पे एक भी इनपुट अगर लो है तो आउटपुट हाई मिलेगा, एक भी इनपुट अगर लो है, एक भी इनपुट अगर लो है तो आउटपुट हाई प्रोवाइड मिलता है इन केस ऑफ नैंड गेट। इसी तरह से नॉट गेट, नॉट और का कॉम्बिनेशन है,
ए बी टू इनपुट्स ये आपका नॉर गेट, टू इनपुट नॉर गेट की टू टेबल बना लिए। और गेट के अंदर जो टेबल है, टू टेबल या जो लॉ है, उसका इनवर्ट जो मिलेगा आपको वो नॉर गेट के लिए मिलेगा। तो और गेट के अंदर क्या था कि एक भी इनपुट अगर आपका हाई है तो आउटपुट हाई मिल जाता है, एक भी इनपुट और गेट के अंदर एक भी इनपुट हाई है तो आउटपुट हाई मिलता था। इस केस में क्या होगा, अगर आपका एक भी इनपुट हाई है तो आउटपुट लॉ मिलेगा। इसमें जीरो और वन है, हाई है, एक भी इनपुट हाई है तो आउटपुट में मिलेगा लॉ, एक भी इनपुट इसमें हाई नहीं है तो आउटपुट हाई मिलेगा, एक भी इनपुट अगर हाई है तो आउटपुट लॉ मिलेगा, एक भी इनपुट अगर हाई है तो आउटपुट लॉ मिलेगा। ये बना आपका नॉर गेट। इसी तरह से आगे एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट, एक्स और गेट, टू इनपुट एक्स और गेट, आउटपुट इज गिवन बाय ए बी बार प्लस ए बार बी। टू इनपुट के लिए टू टेबल बनाना है कि इनपुट कॉम्बिनेशन पर क्या क्या आउटपुट मिलेगा। तो फोर कॉम्बिनेशन हुए टू इनपुट के लिए, जीरो जीरो को इस पे रखना है तो जीरो जीरो पर आपको जीरो मिलेगा, जीरो वन पर ये जीरो रखा, इसमें बी की वैल्यू जीरो है तो बार के वन आ जाएगा, प्लस इसमें एक जीरो है तो जीरो का बार वन हुआ और बी की वैल्यू जीरो है तो दोनों साइड में जीरो है, एक्स की वैल्यू इस पे आ जाएगी जीरो। इसी तरह से जीरो और वन को आप इसमें अप्लाई करोगे तो एक्स की वैल्यू आएगी वन, वन और जीरो को अप्लाई करने पे आएगा वन और वन वन को अप्लाई करने पे आएगा जीरो। एक्स और गेट को और फंक्शंस और वंस भी कहा जाता है, एक्स और गेट है उसको और फंक्शंस और वंस भी कहा जाता है, जिसका मीनिंग है कि इनपुट साइड में वन की संख्या अगर और है तो आउटपुट में आउटपुट हाई आएगा, आउटपुट वन आएगा। जैसा पहला एग्जांपल है जीरो जीरो है ये, तो इसमें वन की संख्या जीरो है तो आउटपुट जीरो एक इवन संख्या है इसलिए आउटपुट में लॉ लिखा है, जीरो और वन तो इसमें वन की संख्या कितनी हुई, वन, वन एक और नंबर है इसलिए आपने इसको हाई लिखा है। जब मल्टी इनपुट के लिए डिजाइन करेंगे एक्स और गेट को मोर देन टू इनपुट, जैसे थ्री इनपुट फोर इनपुट के लिए, तो ये वाला जो है और फंक्शन ऑफ वन वो उसमें यूजफुल रहेगा।
इसके बाद आता है आपका एक्स नॉर बी, टू इनपुट के लिए टेबल डिजाइन करना है, जीरो जीरो की वैल्यू को रखना है उसमें, एक्स इज इक्वल टू जीरो डॉट जीरो का बाद प्लस जीरो डॉट जीरो, ये आ जाएगा एक्स का वैल्यू वन, जीरो जीरो को रखेंगे तो आएगा वन, जीरो वन को रखेंगे तो आएगा जीरो, वन जीरो को रखेंगे तो आएगा जीरो, वन वन को रखेंगे तो आएगा वन। ये और फंक्शंस का एक्स और गेट, एक्स नॉर गेट रहता है आपका इवन फंक्शंस ऑफ जीरो, इवन फंक्शंस ऑफ जीरो मीन्स आपको इनपुट साइड में जीरो को काउंट करना है, जीरो की संख्या पहले वाले में एक और दो है, दो संख्या सम संख्या है, इवन संख्या है तो आएगा हाई वन आएगा, अगर जीरो की संख्या इनपुट साइड में और फंक्शन है तो आएगा आपकी लॉ जीरो, दूसरे इनपुट पर जीरो और वन है तो यहाँ पे जीरो की संख्या हुई वन और फंक्शन है इसलिए यहाँ पे आपने लिखा जीरो जो आउटपुट में लॉ आएगा, तो ये रहता है आपका इवन फंक्शंस ऑफ जीरो। तो ये थे बेसिक गेट्स अपने, अब अपन एक्सओआर गेट के लिए ही थ्री इनपुट एक्सओआर गेट की ट्रुथ टेबल डिजाइन करना है, और इसी तरह से एक्स नॉर गेट के लिए थ्री इनपुट एक्स नॉर गेट की टेबल बनाएंगे। इनपुट साइड में तीन इनपुट आएंगे इसमें, ए बी और सी, तो तीन इनपुट है तो टू दी पावर एन, एन की संख्या यहां पे आपके है थ्री, टू दी पावर थ्री यानी कि टोटल एट कॉम्बिनेशन बनेंगे अगर इनपुट आपने तीन लिया, तीन इनपुट लिए तो टोटल एट कॉम्बिनेशन बनेंगे, एट कॉम्बिनेशन को आप किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं लेकिन जनरली अपन इसमें बाइनरी की काउंटिंग के हिसाब से लिखते हैं, जीरो 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 वन जीरो वन जीरो जीरो वन 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 जीरो जीरो वन जीरो वन 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 जीरो वन वन और वन। ये आपका हुआ थ्री इनपुट एक्स और गेट के इनपुट कॉम्बिनेशन। अब ये जो इनपुट साइड में अपने कॉम्बिनेशन लिखे है बाइनरी काउंटिंग के हिसाब से लिखा है, इसके लिए सरल मेथड ये भी है कि आप इसको अगर याद नहीं रहता है तो 1 to 4 8 के हिसाब से आप बाइनरी काउंटिंग लिख सकते हैं, एक साइड में 0 1 2 3 4 5 6 7 तक है, तो 7 तक की बाइनरी काउंटिंग लिखना है, जैसे कोई भी नंबर लिया रैंडमली 4 को सेलेक्ट किया है तो इसमें 4 लिखना है तो 4 इसमें से सेलेक्ट करना है तो 0 हो गया, ये सेलेक्ट हो गया 4 और बाकी को 0 लिख दिया तो ये वैल्यू लिखती 100। तो इस तरह से आपको 0 to 7 यानी कि 8 कॉम्बिनेशन को इनपुट साइड में लिखना है, और एक्सओआर गेट की टेबल बनानी है तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, तो अभी बताया था कि ये क्या होता है एक्सओआर टेबल है वो फंक्शंस
ऑफ वंस होती है। तो पहला इनपुट देगा, इसमें वन की संख्या कितनी है, जीरो, तो आउटपुट साइड में आपको मिलेगा जीरो। इसमें वन की संख्या है वन, और है फंक्शन वन मिलेगा, इसमें वन है, इसमें वन की संख्या दो है जो इवन नंबर है, आउटपुट जीरो आएगा। वन की संख्या वन है, आउटपुट वन आएगा। इसमें वन की संख्या टू है, आउटपुट जीरो आएगा। वन की संख्या टू है, आउटपुट जीरो आएगा। वन की संख्या थ्री है, आउटपुट वन है। तो ये रहता है अपना थ्री इनपुट XOR गेट की ट्रुथ टेबल बनाइए। इसी तरह से आप थ्री इनपुट XOR X NOR गेट की टेबल को डिजाइन कर सकते हैं। ए बी सी आपको नंबर लिखना है बाइनरी का, एट कॉम्बिनेशन इनपुट, अब ये जो आपका था ये था इवन नंबर ऑफ जीरोस का फंक्शन है। तो पहले इनपुट पर तीन आपके जीरो हैं इनपुट साइड में, तो ये ओड है इसलिए यहां आउटपुट में आएगा जीरो। दूसरा है इसमें जीरो की संख्या कितनी है, दो, आउटपुट आएगा वन। इसमें जीरो की संख्या है दो, आउटपुट आएगा वन। इसमें जीरो की संख्या है वन, आउटपुट आएगा जीरो। इसमें जीरो की संख्या है टू, इवन नंबर है, आउटपुट आएगा वन। इसमें जीरो की संख्या है वन, आउटपुट आएगा जीरो। इसमें जीरो की संख्या है वन, आउटपुट आएगा जीरो। इसमें जीरो की संख्या है जीरो, आउटपुट आएगा वन। ये अपन ने डिजाइन किया एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट की थ्री इनपुट ट्रुथ टेबल। नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल गेट और उसकी डिजाइन। थैंक यू।